हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अलवी, आपका दोस्त। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राशिद डिजाइन्स में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा निहायत ही खूबसूरत नेक डिजाइन। तो दोस्तों, अगर आप हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से अपने डिजाइन बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक हम वीडियो शुरू करें, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज का हमारा डिजाइन बनाने के लिए ये हमारी कुर्ती जो हमने ऑलरेडी कट कर रखी है, इसमें हमने करना क्या है, यहाँ पे हम अपने नेक की बॉर्डिंग लेंगे 4 इंचेस और ये हमारे नेक की लेंथ है 4 इंचेस। इसको हम स्क्वायर लेंगे और इसने हमें काट लेना है। इस प्रकार नेक कटिंग के बाद ये हमारी पाइपिंग है जो हम यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने ये लेना है 4 इंच का एक टुकड़ा लेंगे। ये देखिए 4 इंच का टुकड़ा है, इसकी लेंथ लेंगे हम 3.5 इंच। ओके, और इसकी जो ब्रॉडिंग होगी 1/4 इंच। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पर ये शेप ले लेनी है और इसको कट करना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने 3 पैचेस कटिंग कर लेने हैं। अब हमने करना क्या है, ये हमारा पैच है, इसके बराबर हम कपड़ा लेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों तरफ से पेस्ट कर देंगे। अब हम आधे पैर की सिलाई लगा कर अपने पैच को कपड़े में स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाकर आउटसाइड कर देंगे। यहां पर आने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार कपड़ा निकाल देंगे ताकि यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए और इसको इस प्रकार, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा निकला हुआ है नोक। फिनिशिंग के लिए इसको इस प्रकार यहाँ पर मोड़ देंगे। अब हम सिलाई के बराबर कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। दोस्तों, इसी प्रकार हमने अपने तीनों पैचेस तैयार कर लेने हैं। अब जैसे कि ये हमारी कुर्ती का 20 सेंटर है, इसी प्रकार हमने अपना जो पैच है इसका 20 सेंटर लेना है और यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए इतना गैप लेंगे नेक के और अपने पैच के बीच में यहाँ पे। उसके बाद 20 सेंटर में कच्ची सिलाई लगाएंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर नेक को पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, अपना पैच पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक पैर के दबाव से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है और अपने पैच को फोल्ड करके अंदर की तरफ पलट लेना है। अब हमारे जो पैच की गहराइयाँ हैं, कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे।
बहुत ही मुलायम हाथों से अपने पैंच को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा पैंच कुछ इस प्रकार है। अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगाकर डेढ़ पैर के दबाव से कच्ची सिलाई लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा पैंच पेस्ट होने के बाद दोस्तों इस प्रकार है। अब आपने जो बाकी के दो पैंच हैं वो इस प्रकार इस सिचुएशन में रख के आपको पेस्ट कर लेने हैं। अब हम अपने नेक में पाइपिंग निकालेंगे और पाइपिंग निकालने के लिए इस प्रकार जो हमारी 1 इंच की और एक पट्टी है इस प्रकार इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको अपनी पाइपिंग तैयार कर लेनी है। पाइपिंग निकालने के लिए अपनी पाइपिंग को हम ज़मीन की तरफ रखेंगे उल्टा करके और इस प्रकार अपने नेक को भी उल्टा करेंगे और पाइपिंग पर रख देंगे और यहाँ पर एक पैर के करीब सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम अपने पाइपिंग पर इस प्रकार से नाखून लगा लेंगे जिससे कि हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग आए बाद में। अब हम इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इतनी पाइपिंग निकालकर यहाँ पर पाइपिंग के बराबर सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहज एक बटन लगाने के बाद हमारे डिज़ाइन का लुक कितना खूबसूरत आया है। तो आप भी इसी प्रकार का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। फिर भी आपको डिज़ाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स हमसे पूछें। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।